आज लेके आएगा काफी कमाल की टेक न्यूज अपडेट्स को लेके। दोस्तों सबसे पहले शुरू करेंगे ट्विटर की तरफ से अपडेट निकल के आ रहा है। दोस्तों बेसिकली ट्विटर जो है वो बहुत सारे अकाउंट्स को अब सस्पेंड करने वाले हैं। बेसिकली ऐसे अकाउंट्स जो हम कह सकते हैं फैन पेजेस वगैरह हैं या फेक अकाउंट जो होते हैं, तो उन सभी को उठा लिया जाएगा और उन सभी को सस्पेंड कर दिया जाएगा। दोस्तों आपको क्या लगता है इसके बारे में करके जरूर बताइएगा, पर अब जो है फैन अकाउंट्स वगैरह भी उसी में जाएंगे जो फैन पेजेस होते हैं। देखते हैं क्या निकल के आता है। इसके अलावा अपडेट निकल के आ रहा है एप्पल की तरफ से, और एप्पल दोस्तों अपनी जो हे सीरी है उसमें से हे हटा देगा, यानी कि आपको सिर्फ सीरी बोलना पड़ेगा और जो सीरी है वो आपको जवाब देगी। तो ऐसा प्लान कर रहा है एप्पल और लगभग काम चालू हो चुका है इसके ऊपर। देखते हैं कब तक ये हे सीरी में से हे हटा देंगे। ऐसे कैसे एक बुरा अपडेट निकल के आ रहा है एप्पल की तरफ से। एप्पल आईफोन 14 प्रो मॉडल जो है, प्रो या प्रो मैक्स, इनका जो वेटिंग पीरियड है दोस्तों बढ़ने वाला है, क्योंकि चाइना में लग चुका है लॉकडाउन। देखते हैं अब ये प्रोडक्शन धीरे धीरे होगी और क्या कुछ कैसे हैंडल होगा। बहुत ज्यादा इनकी डिमांड है और ये और ज्यादा वेटिंग पीरियड में जा रहे हैं। वैसे कैसे एक अच्छा अपडेट क्या रहा है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग गैलेक्सी S23 सीरीज कहा जा रहा है ग्लोबली ही क्वालकॉम के प्रोसेसर के ऊपर आएगी, क्वालकॉम 8 Gen 2। इसका मतलब ये है कि चाहे इंडिया हो, यूएस हो या कहीं यूरोपियन साइड हो, कहीं भी हो, हर जगह 8 Gen 2 देखने को मिल सकता है। इसका मतलब यह है कि इस बार शायद एक्सिनोस के ऊपर ना आए। वैसे कई इसमें यह भी कंफर्म हो चुका है कि इसमें 3 मॉडल आएंगे, जो होता ही है S23, S23 प्लस और S23 अल्ट्रा। बाकी देखते हैं क्या निकल के आता है। वैसे गाइस ट्विटर के अंदर एक और अपडेट निकल के आ रहा है जिसमें कुछ अपडेट्स आने वाले हैं अच्छे अच्छे, जिसमें बताया जा रहा है लॉन्ग टेक्स्ट फॉर्म्स को आप शेयर कर पाओगे, यानी कि टेक्स्ट ज्यादा से ज्यादा लिख पाओगे। अभी तक एक लिमिट होती है कुछ 250-300 वर्ड्स के बीच में, तो अभी ये थोड़ी बढ़ जाएगी। इसके अलावा कंटेंट को मोनेटाइज किया जाएगा। देखते हैं और भी बहुत सारी अनाउंसमेंट्स वगैरह होने वाली है। तो ट्विटर जो है थोड़ा अपडेट वगैरह आ रहे हैं, अच्छा हो रहा है। लेकिन आपको यही दूसरे साइड में बता दूं, ट्विटर के बहुत ज्यादा घाटा भी हो रहा है। $4 million पर डे के हिसाब से ट्विटर को घाटा हो रहा है, क्योंकि इनको जो इनकी एड्स वगैरह मिलती हैं वो कम होती जा रही है। इनकी जो मेजर एड देने वाली कंपनीज थी, जैसे ऑडी थी या रोल्स-रॉयस या ऐसी कोई रिलेटेड बड़ी बड़ी कंपनीज थी, उन्होंने एड खींच लिया वापस, वो कह रहे हम एड नहीं देंगे अभी आपको, क्योंकि एलन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया है। ट्विटर के अंदर बहुत बुरा हाल हो चुका है। देखें एग्जैक्टली ट्विटर का बनता गया है। वैसे ट्विटर की तरफ से अपडेट निकल के आ रहा है, ट्विटर अब दोस्तों बहुत ही जल्दी विद इन अ मंथ आपको ब्लू सब्सक्रिप्शन जो है इंडिया में देखने को मिल जाएगी। अभी तक जो है बाकी कंट्रीज में देखने को मिलती है, तो इंडिया में भी ब्लू सब्सक्रिप्शन बहुत जल्दी आ रही है। वैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप खरीदना पसंद करोगे या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे इसका प्राइस जो है बाहर तो कुछ 600 और समथिंग है, लेकिन इंडिया में आके कहा जा रहा है शायद 400 समथिंग आ जाए, तो 450 या ऐसे कुछ हो सकता है। देखते हैं बाकी क्या निकल के आता है। वैसे कैसे आप बता दो, रियलमी की तरफ से 10 सीरीज जो है वो कंफर्म हो चुकी है, और बताया जा रहा है इसमें आपको 8 जेन 2 देखने को मिल सकता है। ये काफी अच्छी चीज है, मतलब रियलमी की 10 सीरीज में होगा। इसी में ऐड ऑन कर दो, बता दो अपडेट निकल के आ रहा है ओप्पो की तरफ से, फाइंड एम 2 ये कंफर्म हो चुका है। बताया जा रहा है कि 8 जेन 1 के ऊपर होगा। अब दोस्तों 8 प्लस जेन 1 के ऊपर होना चाहिए था मेरे हिसाब से, बाकी 8 जेन 1 के ऊपर आता है। देखते हैं क्या निकल के आता है। वैसे फाइंड एन था वो भी काफी अच्छा फोन था, देखते हैं इसमें क्या चेंजेस होते हैं। वैसे कैसे अगला अपडेट निकल के आ रहा है टेलीग्राम की तरफ से, और टेलीग्राम दोस्तों लेके आ रहा है टॉपिक फॉर ग्रुप्स और कलेक्टिबल यूजर नेम, तो ये थोड़ी सी अलग चीज हो जाएगी। वैसे आपको बता दूं टॉपिक जो है वो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन वालों को ही मिलेगा जो प्रीमियम खरीद रखे उन्होंने, बाकी देखते हैं बाकियों के लिए होता है नहीं होता है। बहुत सारी चीजें लेके आ रहे हैं, टेलीग्राम भी काफी ज्यादा अपडेट कर रहा है अपने आप को। वैसे अगला अपडेट निकल के आ रहा है इसरो की तरफ से, और इसरो में काफी अच्छा अपडेट है दोस्तों। इसरो प्लान कर रहा है जापान के साथ मिलके कि मून की डार्क साइड पे जाएं। अब दोस्तों ये काफी अच्छा अपडेट है, मतलब डार्क साइड के ऊपर अभी तक आपको मैं बता दूं कोई नहीं गया है, कोई भी लैंडर नहीं उतरा है। देखते हैं लूनर लैंडर कब तक उतरता है डार्क साइड ऑफ मून, और उसको एक्सप्लोर करना आपको क्या लगता है कितना जरूरी है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लावा की तरफ से बता दूं अपडेट निकल के आ रहा है, लावा ब्लेज 5G फाइनली इंडिया में लॉन्च हो चुका है। इसके बारे में ऑलरेडी सबको बता चुका हूं दोस्तों, 9999 रुपीज में फोन रहा था, तो आज ये लॉन्च हो चुका है। जो भी लोग ट्राई करना चाहते हैं जल्दी ही दोस्तों, लावा की तरफ से बजट 5G फोन है, मीटर डेमेस्टी 700 के ऊपर आता है, तो फोन ओवरऑल अच्छा है मैं आपको बता दूं। बाकी गाइस ये इंडिया का सबसे सस्ता 5G फोन है, तो जो भी लोग ट्राई करना कर पाएंगे जल्दी ही। तो दोस्तों आज की टेक न्यूज़ यहीं पे होती है, एंड वैसे डैशिंग ऑटो पे जाके ऑटो न्यूज़ को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ।